छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूल ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी व कंप्यूटर फीस में बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है। इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मंच ने निजी स्कूलों में भारी फीसों, प्रबंधन द्वारा शिक्षकों व गैर शिक्षकों की कोरोना काल में छंटने व उनको वेतन न देने के खिलाफ शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निजी स्कूलों की फीस के संचालन के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों वो मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं और इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार किया जा रहा है। निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेस की वसूली करके एडमिशन फीस को पिछले दरवाजे से वसूल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के निर्णय की अवहेलना भी की जा रही है, जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाई थी। कोरोना काल में जब प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया है, तब ऐसे में निजी स्कूल अभिभावकों को मैसेज भेजकर तुरंत फीस जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। आज ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि विधानसभा सत्र के दौरान 5 मार्च को हमने एक प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री से जब मिले थे तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि निजी स्कूलों के संचालन के संदर्भ में कानून लाएंगे, रेगुलेटरी कमीशन जो है उसको स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें फिर अपनी ही बात से यू टर्न ले लिया और आज हम ये देख रहे हैं कि जब नया सत्र चला शिमला जैसी जगह में और दूसरी जगह में भी, तो निजी स्कूलों की मनमानी एक बार पुनः जो है शुरू हो गई और भारी पैमाने पर जो फीस वृद्धि जो निजी स्कूलों ने शुरू कर दी। आप ये देख रहे हैं कि अभी जो फीस बच्चों से ली जा रही है, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, शैक्षणिक संस्थान बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैसेजेज आ रहे हैं पेरेंट्स को, उसमें अपने आप ही निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में 15 से लेकर 65% तक की वृद्धि कर दी है, कंप्यूटर फीस में 100% की वृद्धि कर दी है। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब MHRD की गाइडलाइंस 2014 की और प्रदेश सरकार की 12 मार्च 2020 और उसके बाद कोरोना के समय में फिर एक और बार प्रदेश सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी कि कोई भी फीस बढ़ोतरी जो पेरेंट्स हैं उसकी आम सभा के बगैर नहीं की जाएगी, उसकी इजाजत लिए बगैर, लेकिन कोई आम सभा नहीं हुई और इसके बावजूद ये फीस बढ़ोतरी की गई है, जिस पर सरकार खामोश है, जिस पर विभाग खामोश है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि जब इन फीसों को, मनमानी फीसों को कोई जमा नहीं करता है, आपने देखा IB स्कूल के अंदर किस तरीके से एक 5वीं कक्षा की छोटी सी एक बालिका, एक बच्ची समूहिका, जिसके पेरेंट्स ने, जो सरकार ने फीस घोषित की थी वो पूरी फीस दी, लेकिन उनकी तानाशाही के अनुसार, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार जो ज़्यादा फीस वो मांग रहे थे उस पर अपना जो आवाज़ बुलंद की, तो बच्ची को भी प्रताड़ित किया, किस तरीके से कमरे में बंद किया गया, फिर वो बच्ची IGMC में उसको ले जाना पड़ा और डॉक्टर्स ने जो है इस बात का बताया कि किस तरीके से वो बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है, इस तरीके की जो एक प्रताड़ना है वो भी चल रही है। और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कोरोना के समय में जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं उन पर विकास गिरी है। बहुत सारे स्कूलों में जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको कोरोना का वेतन नहीं दिया। आपको याद होगा 27 मई 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी सरकार ने और ये कहा था उस अधिसूचना में, उसी अधिसूचना को दोबारा से 10 नवंबर को सरकार ने दोबारा से निकाला था और उसमें ये साफ किया था कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन काटा नहीं जाएगा कोरोना में। तो IB स्कूल के अंदर भी आपने देखा, दूसरे स्कूलों में भी देखा किस तरीके से जो कर्मचारियों और अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया। जब उन्होंने वेतन की मांग की तो उनको नौकरी से ही निकाल दिया, लगभग 1 दर्जन के करीब अध्यापक और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जो कानूनी रूप से निकालने के बेनिफिट थे वो भी नहीं दिए। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो हम बात कह रहे हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ रही है, अभी किसी समय में फीस बढ़ोतरी भी की, शिक्षकों गैर शिक्षकों को वेतन भी नहीं दिया, जिस तरह विरोध किया उनके बच्चों को प्रताड़ित भी किया और सरकार की ओर से खामोशी है, सरकार कुछ नहीं बोलती है, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, सरकार कोई कानून नहीं लाती है, रेगुलेटरी कमीशन नहीं स्थापित करती है। एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा नेक्सस ये चल रहा है हिमाचल के अंदर, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि कमीशन खोरी का धंधा जो ड्रेस और किताब के नाम पर किया जाता है, कानूनन प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार क्या होना चाहिए और CBSE की गाइडलाइंस के अनुसार क्या होना चाहिए, हिमाचल बोर्ड है और जो CBSE है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार इन स्कूलों में, निजी स्कूलों में अगर वो CBSE के हैं तो सिर्फ NCERT की किताबें लगाना मैंडेटरी है, आवश्यक है, ये जरूरी है, वही किताबें लगेंगी। अगर वो हिमाचल बोर्ड के तो SCERT की किताबें लगना जरूरी है, लेकिन हिमाचल के अंदर निजी स्कूल ना SCERT की किताबें लगा रहे हैं ना NCERT की किताबें लगा रहे हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ मिलीभगत करके जो किताब
एनसीईआरटी की 80 रुपए में बिकती है प्राइवेट पब्लिशर से, उसी किताब को 650 रुपए में लेकर 550 रुपए में लेकर पेरेंट्स को जबरदस्ती उन किताबों को दे रहे हैं और वो पूरी कमीशन खोरी का एक धंधा जिसमें से एक बड़ी कमीशन जो है निजी स्कूलों को जा रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो आज का ये प्रदर्शन हमने किया और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जिस तरीके से सरकार जो है बिल्कुल खामोश हो गई है, इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जिससे जो निजी स्कूलों को खुला हाथ मिल रहा है इस मनमानी और लूट को करने का, निश्चित तौर से इसमें एक अच्छा संदेश जो पूरे प्रदेश के अंदर नहीं जा रहा है और सरकार को तुरंत जो आगे आकर कानून और रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करना चाहिए। दिखा भी सकता हूँ इसमें इन्होंने मैसेज दिया स्कूल की तरफ से कि जो मेरे ड्राइवर्स है, कंडक्टर्स है, इनको भी सैलरी देनी है तो मेरे पास फंड्स का काफी कमी पड़ रही है तो मुझे अपने खर्चे भी पूरे करने हैं। एक साइड तो मेरा सवाल ये है आज कि एक साइड तो एक तरफ तो स्कूल कहता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है जब हम सैलरी मांगने जाते हैं और हमें पता चलता है कि आधे स्टाफ से ज्यादा को सैलरी भी दे दी, सिर्फ हम लोग ही लगभग तकरीबन एक दर्जन लोग जिनको सैलरी नहीं मिली। फिर उसके बाद मामला आगे लिया जाता है, हमने सवाल किया कि आप हमें सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि फंड्स नहीं आए हैं। दूसरी साइड पेरेंट्स पे प्रेशर बनाया जाता है कि हमें तो ड्राइवर कंडक्टर्स को भी सैलरी देनी है, तो आप ये बताइए इस विषय में मेरा आज ये सवाल है। मैं एजुकेशन डायरेक्टरेट के बाहर खड़ा हूँ यहाँ पर, 1 अप्रैल को जो हमारा इंटरव्यू हुआ था मैं उसमें कहा था कि टुडे दिस इज अवर फर्स्ट प्रोटेस्ट, हम आवाज उठा रहे हैं इस अपने इंडिग्नेशन को जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, इस इंडिग्नेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी पहली आवाज है। हमारा नेक्स्ट प्रोटेस्ट जो होने वाला है वो एजुकेशन डायरेक्टरेट के बाहर होगा, तो आज हमने यहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया है मगर आज मेरा आपके माध्यम से हमारे जो हायर एजुकेशन डायरेक्टर है इनसे एक रिक्वेस्ट है और एक सवाल भी है, एक क्वेश्चन है कि जब आपके ऑफिस से एक अधिसूचना जारी की जाती है जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं 27 मई को जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि अगर आप अपने स्टाफ को सैलरी नहीं देते हैं किसी भी एक एम्प्लॉय की, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की, एक दिन की भी सैलरी रोकते या घटाते हैं तो आपके खिलाफ, उस पर्टिकुलर स्कूल के खिलाफ गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा। तो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से हमारा आज सवाल है कि हम आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, आपके पास अंदर भी हम अभी सबमिट करेंगे पेपर्स भी जिसमें हमने पहले भी आपके पास संज्ञान में मामला लाया था, तो आपसे ये सवाल है कि सिर्फ आपके ऑफिस से क्या नोटिफिकेशंस जारी की जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी किसकी है? जस्टिस के लिए हम तो डेफिनेटली जिस भी लेवल पे जाना हो ये कैंपेन्स, ये प्रोटेस्ट और भी इंटेंसिफाई होंगे, मगर हमारा सवाल आज ये है आपके माध्यम से कि इन लोगों के साथ जस्टिस कौन करेगा? बोलते हैं आपको कोर्ट में आना है, हाई कोर्ट में जाना है, वहां जाना है, स्कूल के मालिक साहब बोलते हैं मैं देखता हूँ सैलरी कौन करता है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला लड़ूंगा, मैं देखता हूँ, मगर आज सवाल ये है कि क्या ये लोग जो बस ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पर आने के लिए भी मैंने जिद की कि भाई आप अपने राइट्स की बात करो, ये अपनी बात नहीं कर सकते हैं, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट उनके इमोशंस, उनकी प्रॉब्लम्स उसको कौन सुनेगा? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन डायरेक्टर महोदय तक ये मेरा मैसेज पहुंचाया जाए, नोटिफिकेशन जो आपने निकाली थी।